आज हम जा रहे हैं काली मिर्ची का चिकन बनाने, जिसमें 1 किलो चिकन है और 4 टेबल स्पून दही है और काली मिर्चा है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 4 जो खाना बनाने वाले चम्मच होते हैं 4 बड़ा, और ये कसूरी मेथी। तो अगर किसी को डालनी है, किसी को नहीं अच्छी लगती कसूरी मेथी ना डालें, और किसी किसी को उसको खुशबू अच्छी लगती है वो डाल सकता है। ये गरम मसाला है। चिकन को तो पहले इसको हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए थोड़ा पानी रखेंगे, इतना पानी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसमें नमक अपने अंदाजे से डालें आप। डाल दिया इसको, और गरम मसाला भी इसी में डाल दें, आधा टी स्पून करीब नमक डाल के इसको उबालने चढ़ा दें। अभी जब बॉयल हो जाएगा तब इसको बाद में बनाएंगे। जो है अब बॉयल हो गया है, अब इसको हम बनाने जा रहे हैं। ये चिकन हमने बॉयल करके चिकन अलग कर लिया, उसका पानी अलग कर लिया है, सूप ऐसा। तो अब इस चिकन में ऑयल ज़्यादा पड़ता है थोड़ा सा, और खाना 4 चम्मच मैंने तेल डाला है। अब इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद, ये फ्राई हो गया थोड़ा, अब इसमें काली मिर्च हम ऐसे 1 टेबल स्पून डालने के बाद इसको दही डालेंगे इसके अंदर। काली मिर्चा जो है अगर घर में पीस के, जो मिक्सर में मोटी मोटी पीस के अगर डाली जाए वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है काली मिर्च का चिकन, बनस्बत बाहर की इसी भी काली मिर्च को। और ये अब हमने दही डाल दिया है साथ में, इसको साथ साथ भून के जाएंगे थोड़ा सा। जब दही भून जाएगा, ये अब दही जो है इसमें मिक्स हो गया है थोड़ा, हमें इसके अंदर इसका जो सूप बचा था, पानी बचा था, जो इसका स्टॉक निकला था, वो इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। अभी ये इसमें पकेगा, फिर जो इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा। देखिए पानी इसका सूख गया है, अब इसमें काली मिर्ची का 1 चम्मच और डालें, और इसका नमक ज़रूर टेस्ट कर लें कि नमक सही है कैसा है। इसमें काली मिर्चा 1 चम्मच और डालते हैं, क्योंकि ये काली मिर्चे का ही चिकन है, इसलिए इसमें काली मिर्चा। कुछ लोगों को कसूरी मेथी पसंद आती है, कुछ को नहीं आती है, इसलिए हम तो ऐड कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पसंद है ना। कुछ लोगों को इसकी खुशबू नहीं पसंद होती है तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है इसको डालना, ये सिर्फ खुशबू के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है बस। देखिए काली मिर्ची का चिकन तैयार हो गया है, इसमें कि चिकन में तेल भी छोड़ दिया है और ये चिकन भून गया है। अब आप लोग को ये काली मिर्ची का चिकन रेडी है। अब इसको जो है आप नान से, बटर नान से या चपाती से घर की खा सकते हैं, और जिसको अगर प्लेन चावल से खाना हो तो उससे भी खा सकते हैं।